हमारा घर हमारा विद्यालय एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें शिक्षक कार्य करेंगे तो भी कार्रवाई, नहीं करेंगे तो भी कार्रवाई। इस खबर में हम जानेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक की बहुत बड़ी खबर आ रही है। बच्चों की जान को मुश्किल में डाल रहे लापरवाह शिक्षक, बिना मास्क व सोशल डिस्टेंस की लगी क्लास, संक्रमण का खतरा, सभी शिक्षक ध्यान दें नहीं तो कार्रवाई होगी। तो दोस्तों, आप मध्य प्रदेश के या किसी भी राज्य के शिक्षक हैं तो आपको यह जानकारी बहुत अनिवार्य है, आप सभी सावधान रहें। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, तो दोस्तों इसको देखें और इस पर अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और दोस्तों, अभी जो है कोविड-19 महामारी चल रही है, इसलिए आप विद्यालय पर जाते हैं या नहीं जाते, गांव में जाते हैं, तो किसी भी प्रकार का आप फोटो ना खींचे, फोटो खींचकर शो ना करें, नहीं तो वही फोटो आप पर कार्रवाई का कारण बन सकता। तो आइए जानते हैं क्यों। तो दोस्तों, हम वह तस्वीर आपको नहीं दिखाएंगे जिससे कि कोई शिक्षक मुश्किल में पड़ जाए, बस आपको खबर दिखाने जा रहे हैं हम। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान के तहत प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को बच्चों की कॉलोनी में पहुंचकर 5-5 बच्चों की क्लास लगाकर उन्हें शिक्षा देने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान के तहत प्रत्येक क्लास में महज 5 बच्चों को ही रखा जाना है। इसके लिए 6 फीट का अनिवार्य सोशल डिस्टेंस व फेस कवर का पालन किए जाने के निर्देश हैं। लेकिन कुछ शिक्षक बिना सोशल डिस्टेंस व फेस कवर के बच्चों को पढ़ाकर अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। शायद उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनके इस कृत्य से बच्चों की जान मुश्किल में पड़ सकती है। मामला ग्राम का नाम हम आपको नहीं बता रहे हैं, जो भी हैं वो प्राथमिक शिक्षक हैं और उन्होंने जो है गांव में बच्चों को पढ़ाने के लिए पहुँचते हैं और मास्टर जी तो मास्क पहनकर आते हैं लेकिन बच्चे मास्क नहीं पहने हैं, या शायद उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, सभी बच्चों को एक साथ पंगत की तरह बैठाकर पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की अनिवार्य दूरी तो छोड़ें, बच्चे एक दूसरे से सटकर बैठे नजर आ रहे हैं, लेकिन शिक्षक महोदय को इसमें कोई बुराई नहीं दिखती। जबकि कोविड-19 वैश्विक महामारी के लिए शासन द्वारा गाइडलाइन तय की गई है, जिसके तहत वैसे भी बच्चों और बुजुर्गों को घर पर रहने की को कहा गया है। ऐसे में बिना सुरक्षा के बच्चों को पढ़ाना कहाँ तक उचित है। इस संबंध में जब जिला शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि फेस कवर व सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य है, यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो कार्रवाई की जाएगी। अब चूंकि यह खबर अखबारों में छप गई है तो हो सकता है शिक्षक पर कार्रवाई की जाए, यानी कि हमारा घर हमारा विद्यालय में कार्य नहीं करेंगे तो कार्रवाई हो रही, कार्य कर रहे हैं तो भी कार्रवाई हो रही है, यानी अब इन शिक्षक पर कार्रवाई पक्की है। ग्रामीण क्षेत्र में मजदूर वर्ग हैं, वहाँ पे सैनिटाइज तो छोड़ो, मास्क लगाने तक के पैसे नहीं है, तो मास्क कहाँ से लगाएंगे। अब शिक्षक जाते हैं तो उन्हें पढ़ाना अनिवार्य है, 5 बच्चों को लेकर के फोटो भी खींचना है, इसलिए उन्होंने फोटो भी खींचा। इसलिए हम अपनी पिछली कई वीडियो में बोल चुके हैं कि शिक्षक जो है सावधानी पूर्वक कार्य करें, फोटो आप नहीं डालेंगे तो कार्रवाई नहीं होगी। आप तो एम शिक्षा मित्र फॉर्म भरते रहें, लेकिन अगर फोटो डाला आपने, सोशल डिस्टेंस जो भारत सरकार की गाइडलाइन उसको पालन नहीं किया जाएगा तो कार्रवाई निश्चित है। इसलिए दोस्तों, सभी शिक्षक आप लोग भी सावधान रहें, किसी भी प्रकार की फोटो न खींचे, शो ना करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।